पार्क का नाम बदल गया, हालात का बदलेंगे। बदहाली पर आंसू बहाता हुडा सिटी पार्क, मीठे नशे की गिरफ्त में पार्क, पार्क में नशीली दवाओं की कॉकटेल पार्टी। जिम्मेदारों की वजह से बदहाली का शिकार होता यह है रोहतक का हुडा सिटी पार्क, जिसका अब नाम बदल गया है, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पार्क में जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, दुर्गंध मारते वॉशरूम अपनी अलग ही कहानी बयां करते नजर आए। नए बस स्टैंड के सामने स्थित ये पार्क कभी रोहतक की शान हुआ करता था, लेकिन अब नशे का अड्डा बना हुआ है। पार्क में ना ही कोई चौकीदार है, ना ही कोई सुरक्षा गार्ड तैनात किया गया है। इसी का फायदा उठाते सारे नशेड़ी मौका देखकर यहां अंधेरे में बेधड़क एंट्री मारते हैं, और शाम 6 बजे बाद शुरू होता है नशे के कश के साथ घूंट का दौर। ये दौर तब तक चलता है जब तक रग रग में नशे का खुमार अच्छे से ना चढ़ जाए। इतना ही नहीं, इस पार्क में नशा भी कई टाइप का किया जाता है, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा। यहाँ देशी विदेशी शराब के साथ कफ सिरप की कॉकटेल लेते नशेबाज आपको दिख जाएंगे। पार्क की दीवार की ओट में मुंह छिपाए नशेड़ी अपना पूरा काम करते हैं, जिसकी गवाही दे रही है पार्क में जगह जगह खुले में पड़ी कफ सिरप की और शराब की ये बोतलें। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनगिनत मात्रा में पड़ी सिरप की ये बोतलें आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि नशा करने के लिए यूज में ली गई ये सिरिंजें भी आपको वीडियो में साफ देखने को मिल जाएंगी, जो पार्क में रखे डस्टबिन में न डालकर जमीन पर खुले में पड़ी हैं। वो भी ऐसी जगह जो बच्चों के खेलने की जगह है, जहां बच्चों के लिए झूले लगे हुए हैं और बच्चे झूला झूल भी रहे हैं। आमतौर पर पार्क में लोग सैर सपाटे और सुकून की तलाश में आते हैं। ये पार्क काफी लोगों के लिए जीवनदायी है, तो कुछ लोगों के लिए कूड़ा कचरा टूटा फूटा सामान फेंकने का मैदान। लेकिन इस पार्क में अंदर जाने के बाद हालात मंजर कुछ अलग दिखे। पार्क के समीप बसी कॉलोनी के लोगों ने इसे कूड़े का मैदान बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान की शरण में रहने वालों ने अपने ही भगवानों की टूटी फूटी तस्वीर और मूर्तियों को पार्क की शरण में जा रखा। पार्क में पड़े लोगों की आस्था और सेहत के सबूत दोनों ही अपनी अपनी कहानी बयां करते नजर आ रहे हैं। बताते चलें, उत्तर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे ज्यादा समय तक जेल में रहने वाले एकमात्र सेनानी पंडित श्रीराम शर्मा थे। जिस जेल में उनको कैद करके कठोर यातनाएं दी गई थीं, अब उसी जेल की जगह में ये हुडा सिटी पार्क बना हुआ है, जिसका नाम पंडित श्रीराम शर्मा के नाम पर कर दिया गया है। भले ही अब हुडा सिटी पार्क का नाम बदलकर पंडित श्रीराम शर्मा पार्क हो जाए, लेकिन नाम से ज्यादा पार्क के हालात बदलने ज्यादा जरूरी हैं। लोगों की सेहत अच्छी रहे, इसके लिए पार्क में ओपन जिम है, तो वहीं बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं। लेकिन बात की जाए पार्क की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था की, तो ऐसे में इसे 10 में से 2 नंबर भी दिए जाए तो शायद ही ज्यादा होंगे। बद से बदतर होते हालातों के बीच इस पार्क में हर तरह के लोग आते हैं, कुछ सेहत बनाने के लिए तो कुछ सेहत का सत्यानाश करने के लिए इस पार्क का सहारा ले रहे हैं। जोगिंदर के साथ सुदीक्षा अहलावत की रिपोर्ट, गरिमा टाइम्स।